अस्सलामुअलैकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त नुमाइश चौरंगी पे मौजूद हैं, सैलानी वेलफेयर के बाहर हम मौजूद हैं और सैलानी की जानिब से जो है यहाँ पर बचत बाज़ार लगाया गया है जिसमें लोग आ रहे हैं, सफ़ेद पोश लोग आ रहे हैं। और जो चीज़ बाहर, जो अगर मैं बात करूँ कि आटे की, जो बाहर आटा 1100-1200 रुपए किलो 5 किलो की बोरी मिल रही है, वो यहाँ पर जो है नहायत ही मुनासिब दाम में जो है वो यहाँ पर मिल रही है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और यहाँ पर देखती हूँ कि यहाँ पर अगर यहाँ का कोई ज़िम्मेदार मौजूद है तो मैं आपसे, आपकी उनसे भी गुफ्तगू करवा सकूँ। जी, हमारे साथ यहाँ पर आरिफ लखानी साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के ट्रस्टी हैं। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर टोकन सिस्टम है यहाँ पर, तो इनसे प्रोसेस पूछते हैं कि अगर यहाँ पर से ये किसी को राशन दे रहे होते हैं तो सैलानी से इनका राशन देने का प्रोसेस है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैलानी वेलफेयर तो 365 दिन तो राशन दे रहा होता है, मगर इस वक्त जो पोजीशन हाल जो कराची के अंदर महंगाई, लूट बाजारी, ज़खीरा अंदोजी करके लोग इस वक्त दो वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से बच्चे खा पा रहे हैं, तो सैलानी वेलफेयर ने एक बचत बाज़ार शुरू की है। जो 1500 का बैग है आटे का, 350 में मिल रहा है। जो 665 रुपए का ऑयल है, अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर 399 रुपए में दे रहा है। जो क्विस की बोतल 300 रुपए की है, सैलानी वेलफेयर 150 रुपए की दे रहा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज दें, और सस्ता बाज़ार लगाने का मकसद ही यही है कि लोग बेचारे जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, कम से कम अपने बच्चों को दो वक्त की जगह तीन वक्त का खाना खिला सकें। जो कि इस कॉटन की कीमत देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, और जितने भी है बहुत से माशाल्लाह। ऑयल का कार्टन जो है वो कार्टन तो काफ़ी महंगा है, तो अगर किसी को अगर इसमें से एक पीस चाहिए या कार्टन चाहिए तो कार्टन ही लेना। हम दो ऑयल देते हैं, दो ऑयल दे रहे हैं और एक आटा देते हैं। वो फिर 15 दिन बाद फिर आके ले सकता है, एक शिनाती कार्ड पर एक। अब घर के तीन अफराद हैं, तीनों आके ले सकते हैं, तो माशाल्लाह ये लोगों को बेनिफिट इस बात का मिल रहा है। इस वक्त नीड ज़्यादातर आपको पता है तेल, आटा और दालें चावलों की है, जो कि किसी दौर में ये हमारा स्टोर ही था। हमने यहाँ सब्सिडी प्राइस भी बेचते थे, मगर बहुत से लोगों ने अपना ज़खीरा अंदाज़, लोगों ने देखा कि बहुत फ़ायदा देते हैं, इनसे उठा उठा के ले जाओ सारी चीज़ें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दो, तो हमने स्टोर बंद कर दिए थे। ये बाकायदा एक डिस्काउंट स्टोर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात की वजह से सस्ता बाज़ार लगाने का मकसद यही है, हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों को दाल, चावल, चीनी, आटा, पत्ती तमाम लोगों को दें। ऐसे 20,000 ख़ानदान इस वक्त नुमाइश दारुल किफाला पे मौजूद हैं, जो 20,000 ख़ानदान जिन्हें माहाना राशन देते हैं, माहाना वजीफ़ा देते हैं, उन औरतों को देते हैं जो बेवा हैं, जो तलाकशुदा औरतें हैं, उनकी तालीमी तमाम अखराजात, उनके घर का वजीफ़ा और राशन उन्हें फ्री मिलता है, और 30 दिन हर महीने में। देखिए, सैलानी वेलफेयर 1999 से काम कर रहा है। सैलानी वेलफेयर हेड ऑफिस बहादुराबाद जाएं, आप अपने ज़राए से जिसे चाहे भेज दें, वो एप्लीकेशन देंगे, बच्चों के बेफॉर्म देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, शोहर का डेथ सर्टिफिकेट या डिवोर्स पेपर वो जमा कराएं, इंक्वायरी होगी, वो हमारे ज़ुमरे में आता है, हकीकी मायने में मुस्तहक है, हकदार है, क्योंकि ज़कात का पैसा इस तरह उठा के फेंका नहीं जाता कि मैं यहाँ याशी करूँ या मैं बड़े बड़े लाइटें लगा के बैनर लगाऊँ, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ज़कात के मायने के उस हद तक पहुँचे जो इसका मुस्तहक है। गैर मुस्तहक को देना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का फतवा मौजूद है मेरे पास, गैर मुस्तहक भी इसे ज़कात को लेगा तो वो ज़ुमरे में आएगा गुनाह के, उस पर अज़ाब। आपके पास आटा और ये तेल मौजूद है, घी मौजूद है, तो यहाँ पर कोई भी आकर ले सकता है? 50,000 रुपये कम से कम, जिसकी 50,000 रुपये आमदनी है ना, उसके लिए भी घर में मुश्किल है गुजारा, वो आके 50,000 आमदनी के लिए, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, बोर्ड पे वाज़े लिखा हुआ है, तेल की कीमत भी लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आए आसानी से यहाँ पर बाकायदा जिसको जो ज़रूरत है, चाहे वो आटा मांग लें चाहे तेल मांग लें, उसे मिल रहे हैं। 30 रुपये का ऑयल जो है 399 रुपये में, बड़ा ये बोर्ड की तरफ दिखा दें आप, इसकी कीमत दिखा दें, कमोबेश 30% बचत मिल रही है लोगों को। इसी तरह ये देखें, आटे की कीमत 1450 रुपये, 1150 रुपये के अंदर। इसी तरह रूह अफ़ज़ा की बोतल जो है, क्विस की बोतल, वो भी माशाल्लाह इसी तरह मिल रही है आधी कीमत में, 300 की बोतल 150 रुपये में। तो ये हमने सोचा है कि इंशाल्लाह एक दो दिन में हम
अब आप देखें आपके सामने एक कोट पैंट में देखें माशाल्लाह, इसमें देखें कितनी आमदनी लिखी है, ये देखें बोर्ड पे देखें, इधर 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 50,000 से कम आमदनी वाले ये हासिल कर सकते हैं आराम से। अलहमदुलिल्लाह अगर यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा आमदनी वाले भी लोग आते होंगे तो उनको आप रोक तो नहीं रहे होंगे, उनको भी आप ऑफिस से दे ही रहे होंगे। अब मुझे क्या मालूम इनकी कितनी आमदनी है, अब वो आ रहा है ज़रूरतमंद है तो लेके जा रहा है, ले जाए। अच्छा ये जो यहाँ पर आ रहे हैं तो इनको जो है कोई टोकन वगैरह ये लोग अंदर से ले रहे हैं या डायरेक्ट ले रहे हैं? अंदर शिनाख्ती कार्ड दिखाना है, शिनाख्ती कार्ड के जरिए ये 15 दिन में एक दफ़ा ले सकते हैं। 10 किलो आटा, 2 किलो ऑयल, 1 रूह अफ़ज़ा की बोतल ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी चलाएंगे। अच्छा ये देखिए हमारा मेरा बोर्ड लग गया, हमने डिस्काउंट स्टोर ही था ये। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सालों साल डिस्काउंट स्टोर चलाया हमने। मतलब यहाँ पर आप लोग फ्राई करके ही सारी चीज़ें जो है वो पैक कर रहे होते हैं किस तरह? ये माशाल्लाह थाल के अंदर सबको जिस तरह ये समोसे रोल वगैरह बन रहे हैं आपके सामने आपको नज़र आएगा, फ्राई हो रही है, फ्राई भी हम खुद करते हैं। अच्छा। शरबत के इंतज़ाम हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अंदर पूरे थाल के थाल। वैसे तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता भी होता है, दोपहर का खाना भी होता है, रात का भी खाना होता है आम दिनों में, और रमज़ान मुबारक के महीने में मैं आपको दिखाऊँ आज देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा तरीक़ेकार खिलाना बिठाना जब आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह लोगों को हम खाना खिलाते हैं। हर एक शख्स को बाकायदा एक प्लेटर दिया जाता है जिसके अंदर सेब भी है, खजूर भी है, केला भी है, समोसा भी है। इसके बाद बिरयानी की देख आ जाएगी, बिरयानी देना शुरू हुआ, बिरयानी की देगी भी आ चुकी है, ठीक है। सब माशाल्लाह। इसके बाद बिरयानी रखी जाएगी इसमें जी हाँ जी जी। आरिफ साहब ने हमें दिखाया है कि इस तरह से जो है वो हर पर्सन के लिए जो है एक अलग से अफ्तार की इस तरह से प्लेट तैयार की जाती है जिसमें खजूर है, सेब है और तरबूज है, ये सारी चीज़ें कि आप आराम से जो है अपनी अफ्तारी जो है वो आप पेट भर कर अफ्तारी कर सकते हैं यहाँ पर। और साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कच्चे समोसे भी जो हैं वो अभी यहाँ पर रखे हुए, मज़ीद फ्राई समोसे जो हैं वो फ्राई होते जा रहे हैं और इनकी इन प्लेट्स में जो हैं वो अलग सजते जा रहे हैं। इसको भी खोल दो, ये प्लेटर तैयार होती जा रही है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि ये केले भी है माशाल्लाह, तरबूज भी रखे हुए हैं, बिस्किट के कार्टन भी है, और इंशाल्लाह अभी बिरयानी भी तैयार। बेटा बिरयानी का थाल भरो, एक अभी आई है, आई माशाल्लाह अभी बिरयानी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी यहाँ पर जो है अफ्तारी की अगर मैं बात करूँ तो अफ्तारी का प्रॉपर सामान जिसकी मैं जो हम नॉर्मल घर पे भी खा रहे होते हैं उस तरह से जो है यहाँ पर प्रॉपर अफ्तारी का पूरा इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये अफ्तारी जो है वो इनके जो है वो ज़कात के पैसों से करवाई जा रही होती है, यहाँ पर से हर गुजरने वाला जो है बआसानी अपना रोज़ा खोल सकता है, रोज़ा अफ्तार कर सकता है यहाँ पर। ये किसी फितरे या ज़कात के पैसों की जो अफ्तारी है वो नहीं है। अगर मेरा कैमरा आपको मेरे सामने दिखाया तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो आकर बैठे हुए हैं रोज़ा इफ्तार करने के लिए। ये रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इफ्तार करते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी कई लोग 700-800 लोग यहाँ पर डेली इफ्तारी करते हैं माशाल्लाह। और शरबत भी तैयार हो गया है, इसके साथ इनको शरबत भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश की जाती है गरीब आदमी एक जो रोज़ा खोलना चाहता है रोज़ा खोल सकता है। ज़ाहिर सी बात है मेहनत मजदूरी करके आ रहा होता है और घर तक पहुंच नहीं पाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सलानी वेलफेयर साला साल से ही इफ्तार का सहरी के इंतजाम कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे, खासकर अभी हमारे अगर मैं गवर्नर की बात करूँ तो वो हमें फील्ड पर भी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को अवामी गवर्नर बनाया और वाकई ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि वो अवाम में नज़र आ रहे हैं, अवाम की तकलीफ़ को सुन रहे हैं, उनके मसाइल को हल कर रहे हैं, तो मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए गवर्नर साहब के बारे में तो मैं ऐसा कहूँगा इस तरह का ना कोई गवर्नर आज तक आया ना मैं समझता हूँ आ सकता है, कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं आया। मैं इसकी तारीफ़ करने में ज़रा भी झिझकूँगा नहीं क्योंकि वो हर प्रोग्राम हर जगह पहुँचने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, दर्द दिल रखने वाले एक गवर्नर हमें मिले हैं। मैं समझता हूँ इसी तरह के लोग और बहुत सारे मिल जाएँ तो हमारे कई मसले हल हो सकते हैं। आज गवर्नर साहब ने इफ्तिता किया हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब आपके पास आए जी 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 तमाम एनजीओस तमाम मीडियाज़ हमारे पास पहुंची थी, समा चैनल हो गए, जियो चैनल्स हो गए, एक्सप्रेस हो गए, तमाम चैनल ने इसको कवर किया है।
आपके समल्ले आने से एक घंटे पहले माशाल्लाह इफ्तदाई मरहले में इफ्तदा हुई और उन्होंने खुश आइन करार दिया सैलानी वेलफेयर के कामों को और बेहतरीन कामों का एक मतलब बताया कि सैलानी वेलफेयर हर दुखी दिलों का सहारा है और सैलानी वेलफेयर का मकसद ही यही है कि कोई भूखा ना सोए। देखिए आप आम दिनों में 24 घंटे यहाँ खाना मिलता है, 24 घंटे खाना सैलानी वेलफेयर के दस्तरखान पे 600 मुकामात पर इस वक्त सैलानी वेलफेयर रोज़ाना की बुनियाद पर। सैलानी के शोबे तो बहुत हैं, सेहत के हैं, तालीम के हैं, गिज़ा के हैं, रोटी बैंक के हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह पका पकाया खाना भी लोग अपने घरों पे ले जाते हैं। जी हमारे साथ हबीब मेट्रो से साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर हबीब मेट्रो का मुझे पैनाफ्लेक्स नज़र आया, इन्होंने क्यों लगाया हुआ है ये यहाँ पर और क्यों खड़े हुए हैं यहाँ, हम इनसे इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पर आप लोगों ने ये अपनी स्टैंडी खड़ी की हुई है, तो स्टैंडी खड़ी करने का मकसद है क्या? हमने सैलानी के साथ जो है कोऑर्डिनेशन के साथ इफ्तार का एक इंतजाम किया है हबीब मेट्रो की तरफ से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है, खड़े हुए हैं। यहाँ पर ही ये तमाम इनके जितने भी है? नहीं, कुछ एरियाज़ में किया हुआ है, सारे तो नहीं लेकिन कुछ एरियाज़ में हमने किया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पे ड्यूटी है कि हम यहाँ पे करवाएँ। बस काउंटर के ऊपर सैलानी का जो हमारा काउंटर बना है बचत बाजार का, उसके ऊपर हर चीज़ की एक ही स्लिप होती है, जैसे अगर कोई एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक रुपजा ले रहा है, एक आटा ले रहा है और दो तेल के पाउच ले रहा है, तो एक ही स्लिप पर बना हुआ है, जैसे ये स्लिप है ये आप स्लिप दिखा सकते हैं, उसके ऊपर भी एक स्लिप बनेगी, एक ही स्लिप में मेंशन होगा। मतलब टाइमिंग क्या है आपके आपके इस बचत बाजार की टाइमिंग क्या है और कितने कितने लोग जो है वो सारा दिन इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं? सुबह 10 बजे हमारी टाइमिंग है, 10 बजे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा और शाम 6 बजे तक ये आते रहेंगे जी, और जो चाहे यहाँ से ले सकता है, किसी को मना नहीं है, किसी को मना नहीं है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ से सैलानी स्टोर से अभी राशन परचेज़ किया, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ से परचेजिंग में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई, जिस तरह से हमें आरिफ साहब ने बताया बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से इन्होंने सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जैसे पहले हम यहाँ देख लिया हमने सैलानी बचत बाजार, माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि बाहर तो यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, तकरीबन 500 रुपये किलो तेल बिक रहा है, लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है यहाँ अंदर हम गए वहाँ यानी कि उन्होंने हमारी NIC दी, टोकन बना के दिया, वो टोकन हमने इनको दिया, इन्होंने हमारे को आसानी के साथ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। कोई मिसबिहेव किया हुआ स्टाफ ने आपके साथ? नहीं 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 नहीं, सबों ने अच्छा तावन किया और ख्याल किया हमारा। जी इस वक्त हमारे साथ आरिफ लखानी साहब मौजूद थे जिन्होंने हमें सैलानी स्टोर का पूरा विज़िट कराया, अगर सैलानी बचत बाजार इसे कहा जाए तो बुरा गलत नहीं होगा, ये सैलानी बचत बाजार है, यहाँ पर कोई भी आए अपना NIC जो है वो काउंटर पे दिखाए और एक घर से जो है वो एक ही अफराद जो है वो आटे की बोरी और तमाम राशन जो है वो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते थे जो अपना राशन जो है वो अपने पास स्टॉक करते थे, तो यहाँ पर जो राशन का सिलसिला चलाया गया है वो इसलिए है कि सफ़ेदपोश लोग आएँ और अपना अपने घर का जो चूल्हा है वो आसानी जो है वो चला सके। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।